नरसिंहपुर के श्रीधाम ज्योतेश्वर में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज का 98वां जन्मोत्सव का आयोजन समापन हुआ। इस अवसर पर शंकराचार्य जी का आशीर्वाद लेने राजनीतिक हस्तियां, राज्यसभा सांसद विवेक तनखा, केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति, पूर्व मंत्री सुरेश पचौरी के साथ ही बड़ी संख्या में अनुयायी शामिल रहे। आयोजन में आईटीवी फाउंडेशन, रोटरी इंटरनेशनल और जस्टिस तनखा मेमोरियल फाउंडेशन की पहल फर्स्ट इन क्लास मिशन का शुभारंभ शंकराचार्य स्वरूपानंद जी महाराज ने किया। 1,00,000 छात्रों को वितरित किए जाने वाले टैबलेट इस मिशन के जरिए मन से मेधावी 21 छात्र छात्राओं को वितरित किए गए। रोटरी का एक स्मार्ट स्कूल स्मार्ट क्लास का एक प्रोजेक्ट है, जिससे कि थ्रू डिजिटल स्क्रीन टीचर्स उनको बढ़िया शिक्षा प्राप्त कराएंगे। जो शिक्षक हैं वो कहीं और हैं, स्क्रीन से वो उनको पढ़ाया करेंगे। तो आज उसकी स्थापना भी हो रही है, कुछ स्क्रीन लग चुके हैं, कुछ एक दो दिन में भी लग जाएंगे। और ये कक्षा 1 से कक्षा 12 तक उपलब्ध होगा इसमें, और ये पूरी तरह मुफ्त है, इसमें कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। इसके समकक्ष जो बड़ी कंपनीज हैं इससे उससे अच्छा होगा, और वो कंपनीज आप मानेंगे नहीं, इसके लिए 2,00,000 रुपए पर स्टूडेंट लेती है, जो हम लोग भारत के वंचित बच्चों के लिए फ्री थी। और मुझे ये सब कहने में बहुत खुशी हुई कि इससे बड़ा हम लोग अपने तरफ से आज कुछ नहीं तो दे सकते थे अपने ईश्वर को। हमने ये सोचा कि जिन्होंने हमको इतना सम्मान दिया है, इतना आशीर्वाद दिया है, ऐसे व्यक्ति के 98 जन्म उत्सव पर हम अगर कुछ कर सकते हैं तो इनके नाम पे उन बच्चों को हम विद्वान बनाएंगे, हम उनको विद्वान बनाएंगे, जिससे वो कल कमिश्नर बने, कलेक्टर बने, डीआईजी बने, आईजी बने और इस देश की एक नींव और सुदृढ़ करेंगे, और आगे चल के ये बच्चे बहुत अच्छे नागरिक बनेंगे और पढ़ लिख के बड़े आदमी बनेंगे। धन्यवाद। जगत गुरु शंकराचार्य से आशीर्वाद लेने नरसिंहपुर पहुंचे राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने महाराज श्री के जन्मोत्सव पर गरीब मेधावी छात्रों के लिए नई सौगात दी, जिसमें आईटीवी नेटवर्क और जस्टिस तनखा फाउंडेशन की ओर से 21 बच्चों को टैबलेट बांटे गए। इस दौरान उनसे बातचीत की इंडिया न्यूज के संवाददाता आकाश तिवारी ने, जिसमें उन्होंने फर्स्ट इन क्लास के साथ साथ अन्य मुद्दों पर भी अपनी राय रखी। कल हम लोगों ने पूरे देश में 1,00,000 मेधावी बच्चों को और जो शहीदों के बच्चे हैं, कोविड में जो माँ बाप हैं उनके बच्चे हैं, पुलिस जो एक्शन में डेथ हो जाती है उनके बच्चे, इस प्रकार से वो मेधावी चाहते हैं जो जिसे बांटते हैं, ऐसे 1,00,000 बच्चों को हम लोग मदद करेंगे इस देश में। और क्योंकि आज पहला दिन है, कल अनाउंसमेंट के बाद तो हम लोग यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे महाराज जी के नाम पे हम लोग 1,000 बच्चों की मदद करते हैं, और आज उसके लिए हम 20 लोगों को टैबलेट देते हैं। सर, बढ़ती महंगाई पर क्या कहेंगे? बढ़ती महंगाई से तो पूरा देश परेशान है, क्या कहने की बात है। अगर महंगाई होती तो हर आदमी परेशान होता है, पेट्रोल के दाम, खाद्यान्न के दाम, हर चीज़ के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, उनका एक आसमान छू रहे हैं। सर, एक सवाल और, मुख्यमंत्री जी ने अभी जुए सत्ता का कारोबार प्रदेश में लाने की कोशिश कर रही है, क्या कहेंगे आप? नहीं, जुआ सत्ता इसलिए आ नहीं सकता क्योंकि उसमें खाली स्टेट नहीं, अभी सेंट्रल का भी हस्तक्षेप होता है। खाली पिछली बार जब कांग्रेस सरकार के वक्त विरोध हुआ था इन चीज़ों का, खत्म किए गए, अब इसको फिर से लॉ बनाना पड़ेगा। अब लॉ बनाने में उनको कई बाधाएँ दूर करनी पड़ेंगी, तो वो ईजिली नहीं हो सकता, वो चाहेंगे भी ईजिली नहीं। सर, जैसा कि किसान सरकार हितेशी बताती है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? भाई, वो तो बताएंगे क्योंकि उनका चुनाव लड़ना है, मगर अब कुछ भी बोल लें इस वक्त उनकी स्थिति खराब है, चीज़ें उनके पास में नहीं, चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी, कल से कोरोना, सब जगह एक ही वातावरण है सरकार के, तो हमको इसमें ज़्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं। हम तो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी कहते हैं कि देखो
स्वतंत्रता संग्राम से जो आपका इतिहास है, लोगों की सेवा है, उसी इतिहास को फॉलो करो, बेस्ट चीज़ें खुद अच्छी। कहा जाता है कांग्रेस गुटों की राजनीति करती है, गुट तो सब जगह होते हैं कि अभी जो भी ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो जाता है उस पर गुट आ जाते हैं, बट सबसे बड़ी चीज़ है हम लोग देश की राजनीति, हम लोग देश को इकट्ठा रखना चाहते हैं, हम चाहते हैं देश यूनाइटेड रहे, समाज संगठित रहे, झगड़े प्रसाद का नहीं हो, तो यही कांग्रेस का एक मूल उद्देश्य है।